जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सापर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो वास्तव में ही एक अद्भुत प्रयोग है। साधना भी कोई इतना कठिन नहीं है, उसका बहुत ही सरल साधना है। बस थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम होती है कि वो सुंदर घड़ी, अच्छा वक्त एक बार आपको मिल जाए तो मंत्र तो सिद्ध हो जाएगा, बहुत आराम से सिद्ध हो जाएगा और बहुत ही अद्भुत मंत्र है ये। प्रयोग भी कोई खास इतना कठिन नहीं है और ना ही साधना कठिन है। तो देखिए, ये मंत्र आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। केवल ग्रहण काल तक ही जपने में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका, और वो सामर्थ्य शक्ति आपको मिल जाएगी कि आप किसी को भी सम्मोहित कर सकें। उसमें चाहे वशीकरण करने के लिए आपको जो स्त्री है, ये लौंग मोहन वशीकरण मंत्र है ये, और ये आप किसी पर भी प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है ये। इसमें आपको क्या करना है कि ग्रहण काल तक आपको जाप करना है। बस सिर्फ यही है, इसमें थोड़ी सी प्रतिबद्धता कि ग्रहण होना चाहिए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। तो इसमें आपको मिट्टी का एक चौमुखा दीपक लेना है, चारों चार बत्तियां उसमें लगा दें और उसमें चमेली का तेल आपको डाल देना है, ठीक है। और किसी भी जगह पर बैठ जाएं, जब ग्रहण काल शुरू हो, जगह साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है। स्नान आदि करके आप बैठ जाएं, एक आसन डाल लें, कोई भी आसन डाल लें। इसमें आपको किसी भी माला की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें माला से जाप नहीं करना है आपको, ठीक है। और दीपक की जो चारों बत्तियां हैं वो चारों दिशाओं में कर दें, मतलब कि एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ बत्ती कर दें, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ कर दें, और चारों बत्तियों को जला लें। और चार लौंग ले लें। तो लौंग आपको क्या करना है, हर बत्ती के जिधर की तरफ बत्ती जले उधर की तरफ एक लौंग करके रख देना है, मतलब कि एक लौंग पूर्व की तरफ, एक लौंग पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण की तरफ आपको करके रख देनी है, मतलब बत्ती के सामने ही, जलती हुई बत्ती के सामने की तरफ, ठीक है। और मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। इसमें आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है कि किस दिशा में बैठ करके करें, किसी भी दिशा में बैठ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पूरे ग्रहण काल तक आपको मंत्र का आपको जाप करना है, जब से ग्रहण शुरू हो और जब तक खत्म हो तब तक आप उसका जाप करते रहेंगे, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और मंत्र मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा, वीडियो में ही वहीं से आप नोट कर लेना मंत्र को। तो मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को कामरु देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी के दीन ही लौंग, एक लौंग राती माती, दूजी लौंग दिखावे छाती, तीजी लौंग रहे ठहराए, चौथी लौंग मिलावे आए, ठीक है। नहीं आवे तो कुआ बावड़ी, घाट फिरे रंडी कुआ, बावड़ी पे छिटक मरे। ओम नमो आदेश गुरु का, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा। तो इस मंत्र का आपको
जाप करना है, पूरे ग्रहण काल तक आपको जाप करते रहना है इसका, ठीक है। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो तुम्हें वहाँ से उठ जाना है फिर, और जो लौंग हैं उन्हें किसी ताबीज़ में भर करके आपको रख लेना है, या अपने गले में धारण कर लेना है, या फिर रख लेना है उनको, ठीक है। अब आपको मान लिया कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें इस पुरुष को या इस स्त्री को या इसको हमें वशीकरण करना है, तो अब आप क्या करेंगे, लौंग ले लेंगे, एक अलग से एक लौंग लेंगे, और जो ताबीज है वो जिसमें आपने लौंग भरी है शक्तिकृत करके, उस ताबीज से उस लौंग को छुआ देना है बस, उस लौंग को उस ताबीज से छुआना है बस, और उसे छुआ करके 7 बार इसी मंत्र से 7 बार उसको अभिमंत्रित करना है, और उसके बाद में किसी भी तरीके से उस स्त्री या पुरुष को इस लौंग को आपको खिला देना है। पूरी लौंग ना खाए तो छोटा सा टुकड़ा ही, मतलब किसी भी तरीके से उसको खिला दे, हो जाना चाहिए कि उसको वो खा ले। अब उसमें छोटा सा टुकड़ा भी वो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी लौंग ही खाए वो, कि उस लौंग का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर उसके अंदर चला गया तो वो आपके वश में हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, या बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए है ये। तो इस तरह से इस मंत्र के प्रयोग से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, और ये बहुत आसान प्रयोग है, क्योंकि केवल ग्रहण ग्रहण काल में ही ये प्रयोग आपका सिद्ध हो जाएगा, और जब भी यह ग्रहण पड़े तभी इसको शक्तिकृत कर लें दोबारा से, इसको कहते हैं ना कि रीएक्टिवेट कर लें इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा मंत्र, अच्छी साधना मैंने आपको बताई है। तो अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।